हेलो दोस्तों, दिस इज़ द थर्ड पार्ट फ्रॉम JVVNL IA 29 जुलाई 2018 पेपर एंड दिस इज़ केशव शर्मा प्रेजेंटिंग यू द थर्ड पार्ट। ओके, सो अभी तक हमने जो है 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब मैं फटाफट 11th क्वेश्चन पे आता हूँ। बायोस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस इज़ अ क्वाइट ईजी क्वेश्चन। टॉपोलॉजी क्या होती है? टॉपोलॉजी होती है जो कंप्यूटर नोड्स होते हैं, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी सारी फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो मेथड ऑफ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नोड्स, जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के तरीके को बोलते हैं टॉपोलॉजी। अब टॉपोलॉजी में कई प्रकार की होती है। जो सबसे अच्छी टॉपोलॉजी होती है वो होती है मैश टॉपोलॉजी। मैश टॉपोलॉजी सबसे फाइनेस्ट और सबसे एफिशिएंट जिसको बोल सकते हैं वो टॉपोलॉजी होती है मैश टॉपोलॉजी। उसके बाद होती है, देखो, बस टोपोलॉजी सबसे वर्स्ट टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में आपका केबल जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। हम टोपोलॉजी के लिए केबल्स का यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम्स से जोड़ने के लिए केबल्स का यूज़ करते हैं। फिजिकल वायर, तार की बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल वायर्स का यूज़ करते हैं हम। तो बस के अंदर जो होता है, बस टोपोलॉजी के अंदर फिजिकल वायर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका। जो बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज, यानी इसका एक लाभ नहीं है, इसका एक नुकसान क्या है बस टॉपोलॉजी का, कि यहाँ पे वायर काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 इस तरह हो जाएगा। एक सेंट्रलाइज्ड डीबी पे क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये प्रश्न था कि सेंट्रलाइज्ड डीबी कौन सा होता है। तो सेंट्रलाइज्ड डीबी की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर जो सारी पावर होती है, जो एक सेंटर वाला डीबी होता है वो सबको पावर प्रोवाइड करता है, सबको रिसोर्सेज देता है, सबको टाइम देता है। टाइम शेयरिंग मशीन्स होती है कि किसको कितना काम करना है, तो सारा डिसाइड कौन करता है? सेंट्रलाइज डीबी। तो उस पर एक क्वेश्चन था, तो उसमें आंसर आएगा सेंट्रलाइज डीबी। अगर अब ये 15वां क्वेश्चन है कि अगर इनहेरिटेंस है किसी क्लास के अंदर तो कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा लगने के चांसेस हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है। अगर हम लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो वो लॉजिक कहाँ पर डिफाइन होते हैं? तो देखिए, जावा के अंदर मैथड्स का यूज़ करते हैं, C++ के अंदर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए क्लास। क्लास के अंदर हम हर चीज़ डिफाइन करते हैं, ठीक है, पर अगर लॉजिकली देखें तो क्लास के अंदर होते हैं मेथड्स, और मेथड के अंदर होता है किसी भी चीज़ का लॉजिक। तो इसमें पहला मेथड ऑप्शन भी हो सकता है अगर जावा की दृष्टि से पूछा गया है, तो अगर C++ की दृष्टि से पूछा गया है तो फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल आई थिंक इसमें वो जनरल पर्स्पेक्टिव से पूछ रहे हैं, तो क्लास आंसर आएगा इसमें। दिस इज़ माई परसेप्शन, योर आंसर कैन बी डिफर फ्रॉम मी, सो प्लीज़ चेक इट आउट विद द ओरिजिनल की प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट। ओके, सो मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम, मेमोरी एलोकेशन कौन सी होती है रन टाइम पे? तो दिस इज़ ऑल्सो टिपिकल क्वेश्चन, बट देयर कैन बी आंसर, स्टैक कैन बी आंसर। प्लॉटर, देर वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर होता है आउटपुट डिवाइस, और 3 इनपुट डिवाइसेज दे रखे थे, डिफरेंस था प्लॉटर में। ठीक है, प्लॉटर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के पिक्चर्स होती है उसको निकालता है, उसको शो करता है। ठीक है, इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे कि जो कंट्रोल यूनिट होती है, CU मतलब होती है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के क्या क्या कार्य हैं? तो कंट्रोल यूनिट के कार्य होते हैं कि वो जितने भी प्रोग्राम इंटरमीडिएट स्टेट में होते हैं तो उनकी स्टेट्स को कवर करके रखती है, काउंट करती है। तो ये सब काम होते हैं कंट्रोल यूनिट के। ठीक है, तो इसमें था कंट्रोल यूनिट का पेरिफेरल्स, यानी जो बाहरी डिवाइसेस होती हैं उनसे क्या रिलेशन होता है, तो इसमें इसके रिलेशन पूछा था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना था कि कंट्रोल यूनिट मे बी ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो उसमें यह था कि पेरिफेरल डिवाइस सबको कंट्रोल करती है। ओके, बट ये लॉजिकली लॉजिक्स को स्टोर नहीं करती है। ओके, कंट्रोल यूनिट में लॉजिक का काम नहीं, तो लॉजिक का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU में होता है। ठीक है, तो लॉजिक का काम ALU करती है, ये लॉजिक का काम करती है, ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस H। ओके, कैरेक्टर लिमिट होती है -128 to 127 bit। ओके, इसको बोल सकते हैं आप 8 byte भी बोल सकते हैं। कंप्लीट वर्ड इरेज, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जब दबाएंगे, सपोज ये वर्ड है, अब मुझे इस बैक स्पेस को हटाना है,
तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कर्सर ले जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है, और कंट्रोल दबाने के बाद मुझे बैक स्पेस करके बटन आएगा, ठीक है, उसको दबा दूंगा तो ये पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं आपको डेमो बता देता हूँ, ये कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ये पूरा वर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। जी वाई का फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लूप ब्रेक, देखिए अगर आपको किसी भी लूप से बाहर आना है तो आपको ब्रेक, ये एक कीवर्ड होता है, ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा किसी भी लूप से इंस्टेंटली बाहर आने के लिए। वहाँ पे और भी कई ऑप्शंस थे, जैसे एक ऑप्शन था कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू आपको बार बार लूप के अंदर ले जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, आपको लूप से निकाल के वापस इंक्रीमेंट, जो भी इंक्रीमेंट होते हैं जैसे प्लस प्लस होता है वहाँ पे जाके डाल देता है ये कंटिन्यू, ठीक है, तो कंटिन्यू ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। और भी कई ऑप्शंस थे पर सबसे एफिशिएंट ऑप्शन था ब्रेक, ओके। प्रोग्राम क्लोज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4, शॉर्टकट की होती है तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन, ये होता है कॉमन, बी से होता है बिजनेस, ओ से होता है ओरिएंटेड, एल से होता है लैंग्वेज, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये 1960 के दौर में, तो 1960 में इसका काफ़ी यूज़ होता था कोबोल का, ठीक है, उस वक्त सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स उसी वक्त बने थे। अब एक क्वेश्चन है था हाफ ऑफ ए बाइट, एक बाइट का हाफ क्या होता है, तो निबल, निबल होता है एक बाइट का हाफ होता है, बाइट का मतलब होता है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट होता है एक बाइट का मतलब, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 4 बिट, 4 बिट को बोलते हैं निबल, ओके। एक होता है ट्रांसलेट ऑप्शन कहाँ पे आता है, तो ट्रांसलेट ऑप्शन मैं आपको डायरेक्टली इसमें दिखा देता हूँ, ये रिव्यू के अंदर मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, रिव्यू के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करके ऑप्शन आ रहा है, ये होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है आप किसी भी अदर भाषा में जो भी आपका कंटेंट है, जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, आप इसको किसी अदर भाषा में भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी भाषा चेंज करके उस भाषा में डायरेक्टली आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो ट्रांसलेट ऑप्शन वो यूज आता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, एसिड प्रॉपर्टी में ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है अटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, एंड डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, दीज आर दी, और ये DBMS के अंदर आता है एसिड प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन आया था एनालॉग सिग्नल का क्या नुकसान होता है, उसका क्या डिसएडवांटेज होता है, डीमेरिट क्या है एनालॉग की, तो एनालॉग सिग्नल होता है वो क्या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, डिजिटल सिग्नल प्योर फॉर्म में रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो ये बहुत आगे तक बिना डिस्टॉर्शन के जा सकता है, ये कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब ये जो सिग्नल होता है वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं जाता आगे तक, ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज होता है इसका। वहाँ पे ऑप्शंस थे 4, उसमें से आपको ये लगाना था। अब ये जो है 5496, एक क्वेश्चन आया था आपको चेंज करना था, मैं बता देता हूँ, ऑक्टल टू डेसिमल, एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, अब ऑक्टल वैल्यू का तो मुझे याद नहीं है, पर इसका उत्तर शत प्रतिशत यही था, 54596 उसका आंसर था, ठीक है। सी यू, एक और एक क्वेश्चन आया था कंट्रोल यूनिट पे बेस्ड, इसके कार्यों से संबंधित, कैश मेमोरी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन आया था, इसके अंदर था कि जो कैश मेमोरी होती है उसके अंदर जो सबसे कम बार जो कंटेंट आया है, सपोज एक शब्द है जो कैश मेमोरी के अंदर सबसे कम बार पहुंचा है, तो उसको किस तरह आप काउंट करोगे, उसकी तकनीक क्या है, उसको काउंट करने का मेथड क्या है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मुझे 2-3 याद है, LRU, LFU, MFU करके कुछ ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे, 3 मुझे याद रह गए, 2 मुझे याद नहीं है, तो इस तरह से एक MRU था, सॉरी ये MRU होगा, इस तरह से कुछ ऑप्शंस थे, तो इसमें से मैं एक चूज करना था, ये काफ़ी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, कैश मेमोरी टूल इन माइक्रोसॉफ्ट, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो टूल्स थे वो बहुत ही कम यूज़ होते थे और कभी ऐसे के नाम भी नहीं सुने, तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा था, ये इजी क्वेश्चन था, वहाँ पे पूछा था ब्राउज़र कौन कौन से और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो iOS होता है वो एप्पल जो सिस्टम होते हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो अदर थे वो ब्राउज़र्स थे, ठीक है, तो दोस्तों ये जितना भी 30-35 क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए, अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।